वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे और हमारे भी यही दुआ है आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की हमारी रेसिपी है गोभी और मटर, और यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए छोड़ दिया है हमने। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन थोड़ी गोभी, फूल गोभी में थोड़ा ज़्यादा जाती है। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालना होता है क्योंकि इससे बदहजमी की शिकायत कम होती है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होता। फिर स्पेशली अदरक ज़्यादा डालनी चाहिए। नहीं, अगर एक चम्मच अगर लहसुन का पेस्ट है तो दो चम्मच इसमें अदरक की पेस्ट के जाएंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन का पानी सूखेगा तो आप इसमें टमाटर डालें। यहाँ पर हमने टमाटर डाल के और नमक डाल के 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब टमाटर मेल्ट हो गए हैं तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे गोभी। अब इसमें गोभी डाल के हमने इसको मिक्स कर लिए। अब आधा गिलास पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, उससे ना गोभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गल जाती है पर खाने में अच्छी भी लगती है, एकदम हलवा बन जाती है। तो देखिए आप, और बारीक भी नहीं काटा करें, देखिए ऐसा ऐसा। 10 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। यहाँ हमारे मटर गोभी हो गए हैं तैयार। देखें किस तरह से गोभी ने ऑयल भी छोड़ दिया है, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी इसमें से धनिया ऐड करेंगे और फिर से डिश आउट कर लेंगे।
थोड़ा सा मिक्स कर। अब यहाँ पे हमने धनिया डाल के मिक्स कर लिया था। अब हम गोभी मटर को करते हैं डिश आउट, क्योंकि अब हमारा सालन हो गया है गोभी मटर का तैयार। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।